नमस्ते, माय नेम इज परा। माय डियर फ्रेंड, यदि आज अपनी किसी आदत से परेशान हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको निश्चित ही हेल्प कर सकती है। पहले समझना होगा कि आप आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ है जो उस आदत को पकड़े रहना चाहता है। आपके अंदर दो के बीच की लड़ाई है। छोड़ना जो चाहता है वो बार बार हारता रहता है, जो पकड़ना चाहता है वो जीतता रहता है। छोड़ने वाले का मतलब है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से छोड़ना चाहते हैं, बहुत बार अपनी विल पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आप हार जाते हैं, क्योंकि रियल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। वो आपको छोड़ने नहीं देगा, आपको इसी तरह से कॉन्शियस लेवल पर असफलता मिलती रहेगी। आज आप जिस भी आदत से परेशान हैं, सिर्फ आपको समझना है कि उसके पॉजिटिव गहरे बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास में पड़े हुए हैं। जब तक वो बिलीफ चेंज नहीं होंगे, आप लगातार हारते ही रहेंगे, आपको केवल असफलता ही मिलेगी। मान के चलते हैं आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी उस समय आपने समझा होगा पीने से शांति मिलती है, कूल दिखते हैं, डैशिंग दिखते हैं, दोस्ती बनती है, सर का दर्द खत्म होता है। इस तरह के कुछ पॉजिटिव बिलीफ्स आपने डाले होंगे, फिर उनको विजुलाइज किया होगा, उसके बाद आपकी सिगरेट की हैबिट डेवलप हुई। आज आप लगातार परेशान हैं, कॉन्शियसली छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास में जब तक ये बिलीफ पॉजिटिव रहेंगे, आपका बिहेवियर सिगरेट पीने का बना रहेगा, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। आपकी झूठ बोलने की आदत है, आज आप उससे परेशान हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। लेकिन ध्यान से समझें, जिस दिन आपने इसे डाला होगा उस दिन लगा होगा झूठ बोलना एक शॉर्टकट है, अपने आप को बचाता है, अपने काम बन जाते हैं, डांट खाने से बचते हैं, सजा पाने से बचते हैं और अपने रास्ते में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज द स्मार्ट वे, जो आपने समझ करके गहरे बिलीफ इसके साथ में जोड़ लिए। सबकॉन्शियस माइंड आपको हर जगह शॉर्टकट देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एस्केप करने के लिए सिचुएशन से बार बार झूठ बोलने के ऑप्शन देता रहेगा और आप बोलते रहेंगे। कॉन्शियसली यदि आप परेशान हैं तो आपको अपने अंदर जाकर के अपने बिलीफ को चेक करना होगा, बिलीफ को जो उल्टे हैं उनको सीधा करना होगा। मेरा मतलब जो गलत हैं वो सही बिलीफ डालने होंगे। जैसे ही आप सही बिलीफ डालेंगे तो आपका बिहेवियर, आपके एक्शन बदल जाएंगे। आपके बिहेवियर या आपके एक्शन दोस्तों आपके गहरे में पड़े हुए बिलीफ का परिणाम है। आपको उसे सबकॉन्शियस लेवल पर चेंज करना होगा, वरना आप इसी तरह से जीवन में परेशान रहेंगे। एक समय आप सोचते हैं कि डिसाइड कर लेते हैं, बस अब तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन फिर आप एक समय के बाद में हार जाते हैं। इस हार से बचने के लिए आपको अपने अंदर में थोड़ा सा काम करना होगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल वे भी समझ लीजिएगा। जो भी हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं, आज आप उससे परेशान हैं, निश्चित ही वो बिहेवियर, हैबिट या एक्शन आपका नेगेटिव है, तभी आपको उससे परेशानी होती है। और यदि बिलीफ आपके नेगेटिव हैं तो एक्शन और बिहेवियर भी आपका नेगेटिव ही होगा, वो पेनफुल होगा, अपने आप में कॉन्शियस लेवल पर आप परेशान हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव बिलीफ यदि डालेंगे, मेरा मतलब आपको उस एक्शन बिहेवियर जिसकी वजह से परेशान है उससे होने वाला दुख आप दिखाएंगे, कष्ट या दर्द आप उसको दिखाएंगे, विजुलाइजेशन में जाकर के आप उसको दिखाएंगे। तो बार बार विजुलाइजेशन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको छोड़ना चाहेगा, और दूसरी तरफ उसे छोड़ने के बाद में उससे पैदा होने वाला सुख, आनंद या शांति, जो आपको सफलता मिलने वाली है, उसका भी पॉजिटिव विजुलाइजेशन जितना ज़्यादा आप दिखा सकें तो आपका माइंड आपकी हेल्प करेगा। माय डियर फ्रेंड, हमारा माइंड पेन एंड प्लेजर की थ्योरी पे काम करता है। वो पेन को अवॉइड करना चाहता है, प्लेजर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो प्लेजर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर स्टोर या रजिस्टर होना चाहिए। अभी हमने एक तरीका समझा कि आप वहाँ पर पॉजिटिव विजुलाइजेशन बार बार जितना देंगे उसका इफेक्ट आपके एक्शन और बिहेवियर पर आएगा। उसे छोड़कर दूसरा पकड़ने के लिए जिसे छोड़ना चाहते हैं उसको बार बार आप विजुलाइज करें, उससे पैदा होने वाला दर्द ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे तो आपका माइंड उसको छोड़ देगा। नंबर दो, आप बार बार अपने आप को यदि पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, वो बिलीफ डालेंगे, जो बिहेवियर आप चाहते हैं उससे रिलेटेड बार बार आप बिलीफ डालेंगे, बार बार बोलने से, बार बार अफर्मेशन देने से
आपके बिलीफ फिर से वहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं, वही आपके एक्शन और बिहेवियर बनते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप दो अभ्यास लगातार करें, आप 21 दिन तक करें, 90 दिन तक करें, जब तक ना बदले लगातार आप करते चले जाएं किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए। यदि वो वास्तव में आपको दर्द देती है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, दोनों तरीके आपको हेल्प करेंगे, वरना कॉन्शियसली आप हारते रहेंगे, विल पावर आपकी आपको धोखा देती रहेगी। आपको असफलता ही मिलेगी। असफलता को सफलता में बदलने के लिए सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर नहीं, सबकॉन्शियस के लेवल पर आपको चेंज करना होगा, परिवर्तन लाना होगा। आप अभ्यास करें, निश्चित ही आपकी आदत छूटेगी, क्योंकि जो आदत आज आपने डाली है, जो आपको परेशान करती है, उसके पीछे भी बिलीफ काम करता है, उसके पीछे भी विजुलाइजेशन काम करता है, उसके पीछे भी कोई प्लेजर था जो आपने वहाँ पर देखा, पाया, पैदा किया। सिर्फ आपको उल्टा कर देना है, प्लेजर को पेन में बदल देना है, और दूसरा प्लेजर अपने माइंड को दिखा देना है। माइंड आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, आपकी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जीत होगी, क्योंकि अब आप दोनों तरह से अलाइंड है। आपका कॉन्शियस थिंकिंग, आपकी सबकॉन्शियस बिलीफ पूरी तरह से अलाइंड है, आपको निश्चित सफलता ही मिलेगी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।